यस, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है देखिए ध्यान से। मान लीजिए एक ये रेजिस्टर है, ठीक है बेटा, एक ये बैटरी है और इसके साथ एक और रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है ना। इस बैटरी का EMF है E, इसकी रेजिस्टेंस है R और इसकी रेजिस्टेंस है कैपिटल R, है समझिएगा, ठीक है ना। आपको मैं बेसिक एग्जांपल समझाऊंगा, फिर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स कैसे सॉल्व करने हैं उसके लिए बताऊंगा, ठीक है ना। पहले आप बेसिक समझिए, बेसिक तरीका समझिए इसका। बेसिक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ये बैटरी इस रेजिस्टर से मान लो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रही है, ठीक है ना। इस रेजिस्टर को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रही है। इफ मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू रेजिस्टेंस आर, अगर इस रेजिस्टेंस में इस रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर मिल रही है तो व्हाट विल द कंडीशन। कंडीशन पूछिए, क्या पूछा आपसे कंडीशन, व्हाट विल बी द कंडीशन। हम इसके बारे में बात करते हैं, क्या कंडीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग इसके थ्रू मैक्सिमम पावर होगी। तो ठीक है, पावर लिख लेते हैं पहले, तो करंट लिख लेते हैं। करंट होगा E अपॉन R प्लस R, सभी बच्चे जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर I स्केयर R करूंगा तो इसमें पावर आ जाएगी, तो इसका स्केयर करना है, यानी E स्केयर अपॉन R प्लस R का होल स्केयर इंटू R। ये आगे पावर, पावर थ्रू रेजिस्टेंस R, बड़े R के थ्रू पावर R, ठीक है ना। दिस पावर शुड बी मैक्सिमम इफ पी आर शुड बी मैक्सिमम देन then dPr by dr should be equal to zero for maxima or minima, ठीक है। तो e square, इसका definition कर रहा हूँ बेटा मैं, देखो u upon v rule लगा रहा हूँ, ठीक है, u upon v rule लगा रहा हूँ, तो नीचे वाला identity लिख दिया r plus r का whole square, e square अलग लिख दिया, ठीक है, और साथ ही साथ लिख दिया r plus r का whole square, और इस r का definition किया वन आ गया minus, फिर किया इस आर को एडिटिव लिख दिया और इस आर का डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो आ गया टू आर प्लस आर, ठीक है, अपॉन डिवाइड में आ गया आर प्लस आर की पावर फोर और बराबर आ गया जीरो, सही है। मैंने क्या देखता हूँ कि ये टर्म इसके जगह जीरो हो जाती है और ये इसके इसके जगह जीरो हो जाता है, मेरे पास क्या बचता है, एक आर प्लस आर का होल स्केयर कॉमन ले लेता हूँ तो वो खत्म हो जाता है, तो क्या बचता है बेटा, बचता है आर प्लस आर माइनस टू आर शुड बी इक्वल टू जीरो। रुपा कंडीशन आ गई आर इक्वल टू आर, क्या कंडीशन आ गई आर इक्वल टू आर, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्रू दिस रेजिस्टर। अगर इस रेजिस्टर से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी तो इस रेजिस्टर की वैल्यू इस रेजिस्टर के बराबर की होनी चाहिए, समझ में आई, दिस इज द कंडीशन, ठीक है। अगर बनाए ग्राफ की बात करें हम, ध्यान से देखिए बेटा, रेजिस्टेंस आर वर्सेस पावर, देखिए आर इक्वल टू आर मैक्सिमम बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। और एक बात और देखिए कि अगर आप आर की वैल्यू डाल दें, देखिए ध्यान से, अगर आप आर की वैल्यू डाल दें यहाँ पर इनफाइनाइट, ठीक है ना, पहले आर की वैल्यू जीरो डाल दें, तो आर की वैल्यू जीरो डालते पावर जीरो हो गई, ग्राफ तो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, और आर इक्वल टू आर मैक्सिमम पावर होगी भी, ठीक है। अब आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट डाल दो, आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट डाल दोगे तो ये लिख सकते हो ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू आर आर, तो इधर से आर, इधर से आर और इधर से आर डिवाइड कर दो, तो खत्म ही हो गया, ये वन हो गया, ठीक है ना। बोलो सही है, ये खत्म हो गया, ये वन हो गया, और अगर इस आर की जगह मैं इनफाइनाइट डाल दूंगा तो क्या नंबर आ जाएगा, ये नंबर जीरो आ जाएगा, ये नंबर कितना आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। देखो तो इस आर की जगह ये जीरो आ जाएगा, ये कुछ फिक्स नंबर है, तो टोटल ये कुछ फिक्स नंबर हो गया, और इस आर से आर कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा नीचे, इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी पावर किसको टेंड करने लगेगी, जीरो को टेंड करने लगेगी। तो ऐसे समझो आप, ग्राफ कुछ इस तरीके से आने वाला है, और किस किस के लिए कोरिस्पोंडिंग मैक्सिमम पावर होगी, आर इक्वल टू आर कोरिस्पोंडिंग, और होगी कितनी, ये मैक्सिमम पावर होगी कितनी जब आर की वैल्यू आर डालोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा,
तो पावर मैक्सिमम होगी ई स्क्वायर स्मॉल आर अपॉन 2 आर का स्क्वायर यानी 4 आर स्क्वायर यानी ई स्क्वायर अपॉन 4 आर कितनी होगी मैक्सिमम पावर, ही होगी ई स्क्वायर अपॉन 4 आर। सही है बेटा, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो सिंपल सर्किट के लिए, बेसिक के लिए तो समझ आ गया है ना, ऐसे से हम पढ़ लेंगे। आप फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए लिख लीजिए, आप कैसे हैंडल कैसे करेंगे। फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स मतलब जिसमें बहुत सारी बैटरी है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, वहां पर कैसे हैंडल करेंगे इस चीज को, तो इसमें थ्योरी लिखिए। लिखिए बेटा, फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स इफ वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम पावर फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, इफ वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम पावर अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस देन वी शॉर्ट ऑल द बैटरीज ऑफ सर्किट देन वी शॉर्ट ऑल द बैटरीज ऑफ सर्किट देन वी शॉर्ट ऑल द बैटरीज ऑफ सर्किट एंड ओपन द रेजिस्टर अबाउट विच ओपन द रेजिस्टर अबाउट विच वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एंड ओपन द रेजिस्टर अबाउट विच वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, एंड फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एंड फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट अबाउट दैट ओपन पॉइंट्स अबाउट दैट ओपन पॉइंट्स। ठीक है, अब सुनो, समझो मेरी बात। मान लो ये सर्किट है और इसने मुझे मैक्सिमम पावर बतानी है ट्रांसफर, इससे मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बतानी है। सबसे पहला काम तो होगा मैं बैटरी शॉर्ट करूंगा, सारी कर दी, और जिसमें मैक्सिमम पावर बतानी है उसको ओपन कर दूंगा, कर दो। कर दिया कि नहीं कर दिया, बोलो। ये आर टू, ये आर वन, सही है, पक्का। ये आप इधर भी लगा सकते हो, एक रेजिस्टेंस लगाना है तो, और सौ और बड़ा करने के लिए आर फोर, ऐसे भी कर सकते हो। आर फोर कर दिया, शॉर्ट ऑल द बैटरीज, बैटरी शॉर्ट कर दी, और जिस रेजिस्टेंस के अबाउट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बतानी है उसको ओपन कर दिया। फिर उन दोनों पॉइंट्स के अबाउट, इसके इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, कितना आ रहा है जल्दी देखो, बताओ कितना आ रहा है। आर टू और आर थ्री किसमें, आर टू और आर वन किसमें पैरेलल में, और आर थ्री आर फोर के साथ किसमें सीरीज में, तो आर वन आर टू पैरेलल में है तो ऐसे ही आएगा, और किसके साथ, आर फोर के साथ सीरीज में। जो भी ये नंबर आ रहा है, जो भी ये नंबर आ रहा है, ये बराबर कर दो आप किसके, आर थ्री के। दिस इज द कंडीशन, ये उसी रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो बैटरी कर दो शॉर्ट, बेसिक वाले में बात करूं बैटरी कर दी शॉर्ट देखो, और रेजिस्टेंस कर दिया ओपन, इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर बतानी थी और बैटरी कर दी शॉर्ट। ठीक है, ये आ रहा है ए बी, इसके अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, ये किसके बराबर होना चाहिए, जिसमें हम इसको आप ओपन कर रहे हो उस रेजिस्टर के बराबर होना चाहिए, आर इक्वल टू आर। सेम कंडीशन आपने यहाँ पर अप्लाई करी। ठीक है, तो आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हैंडल करना है तो आपको इस तरीके से हैंडल करना होगा। ठीक है, दिस इज ऑल ऑन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक, रिंग डालिए, आर सी सर्किट
केस वन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एट टी इक्वल टू जीरो कैपेसिटर इज अनचार्ज, अनचार्ज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आरसी सर्किट पढ़ने जा रहे हैं। आरसी सर्किट में दो केस बनते हैं, एक कैपेसिटर की चार्जिंग का, एक कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग का। सबसे पहले पढ़ेंगे कैपेसिटर की चार्जिंग का, ठीक है। तो आरसी सर्किट में पढ़ते क्या है हम, देखो बेटा ध्यान सुनो। एक रेजिस्टर होता है, एक ही कैपेसिटर होता है, ठीक है, और ये कनेक्टेड होते हैं किससे, बैटरी से। यह है आर और यह है सी, ठीक है। स्विच ओपन है, टी इक्वल टू जीरो, कैपेसिटर अनचार्ज, ये ईएमएफ है ई, ये वोल्टेज है वी मान लो। टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर इज अनचार्ज। जैसे ही मैंने स्विच बंद किया, चार्ज सर्कुलेट होना शुरू हो गया, चार्ज सर्कुलेट होना शुरू हो गया। ध्यान से देखेंगे चीजों को, तो क्यू चार्ज चल रहा है, कितना चार्ज चल रहा है बेटा, क्यू चार्ज चल रहा है हमारा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, सही है बेटा। तो क्यू चार्ज चल रहा है, तो इस पे कितना आ गया क्यू, इस पे कितना आ गया माइनस क्यू, और डी क्यू बाई डी टी क्या बन गया, आई। पक्का? तो मैं ध्यान से देखता हूँ, यहां से चल के वापस यहीं पर ही आता हूँ, फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाता हूँ, मुझे क्या मिलता है, क्यू बाय सी पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर माइनस वी बराबर जीरो आ जाता है, सही है। तो मैं क्या पहुंच जाता हूँ, मैं पहुंच जाता हूँ क्यू माइनस सी वी अपॉन आर सी, क्यू माइनस सी वी माइनस क्यू अपॉन आर सी कर दो, सी वी माइनस क्यू अपॉन आर सी इक्वल टू आई, दैट इज डी क्यू बाई डी टी। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? मैंने क्या करा, इसको वी उधर ले गया, माइनस क्यू बाय सी कर दिया, वी माइनस क्यू बाय सी करा तो सी वी माइनस क्यू अपॉन सी हो गया, और आर नीचे ले गया, बोलो सही है, और आई को लिख दिया डी क्यू बाय डी टी, सही है। तो मैंने क्या करा, डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली, डी क्यू को अलग कर दिया, सी वी माइनस क्यू ऐसे कर दिया, डी टी अपॉन आर सी बेटा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। टाइम जीरो पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, जीरो, और टाइम टी पे कितना है, क्यू, फंक्शन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आ गया, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आ जाएगा एल एन सी वी माइनस क्यू, एल एन सी वी माइनस क्यू, और माइनस एक बाहर आएगा जो क्यू के साथ लिखा है, ये होगा माइनस टी बाय आर सी हो जाएगा, तो इधर माइनस चला गया, माइनस टी बाय आर सी हो गया। लिमिट डली जीरो से क्यू, तो अपर लिमिट डली तो एल एन सी वी माइनस क्यू, लोअर लिमिट डली तो एल एन सी वी, क्यू जीरो है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी करूंगा, एल एन सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी, सही है। अरे एल एन का मतलब क्या होता है, एल एन का मतलब होता है लॉग ई बेस इज इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी, ये रूल आपको पता है कि ये की पावर इसमें चढ़ जाती है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, सी वी बाय सी वी, सी वी माइनस क्यू बाय सी वी इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाय आर सी हो जाएगा बेटा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पक्का, सही है। सी वी बाय सी वी कितना हो जाएगा, वन माइनस क्यू बाय सी वी हो जाएगा, तो कर्म लागे बचेगा वन माइनस क्यू बाय सी वी, तो इधर जाएगा वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी हो जाएगा, साथ ही साथ क्यू बाय सी वी हो जाएगा, तो सी वी इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा क्यू, तो आ गया चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसलिए वट चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ चार्ज कितना आएगा हमें पता लग गया। बोलो सही है, इस चार्ज को डिफरेंशिएट करूंगा तो करंट आएगा, चार्ज को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, करंट आएगा, सी वी कॉन्स्टेंट नंबर है, जीरो हो गया तो माइनस सी वी लिख दिया, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी का जो लिखा होता है वो साथ में आ जाता है माइनस वन बाय आर सी, और एज इट इज रह जाता है माइनस टी बाय आर सी, बोलो कोई दिक्कत, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत, टी बाय आर सी, सही है। सी से सी कट गया, माइनस से माइनस कट गया, आई कितना आ गया,
आ गया वी बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, करंट आ गया, चार्ज आ गया, क्यू बाय सी कर दो तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर आ जाएगा, ये रहा क्यू, इसको सी से डिवाइड कर दो, कितना आ गया वी वन माइनस सी की पावर माइनस टी बाय आर सी। बोलो समझ में आई, इसलिए व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अक्रॉस कैपेसिटर, इस करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर आ जाएगा, आर से आर कट जाएगा, वी ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। और रेजिस्टेंस अक्रॉस जो किसी भी टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी आर, जो कैपेसिटर अक्रॉस किसी भी टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी सी, और ये वी सी और वी आर मिलके वी है, देखो आ रहे हैं वी सी और वी आर मिलके वी आ रहा है, वी सी प्लस वी आर इक्वल टू वी आ रहा है। बोलो समझ में आई बात, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, तो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है हमारे पास, तो हाफ सी v कितना है v स्क्वायर वन माइनस सी की पावर माइनस टी बाय आर सी का होल स्क्वायर। दिस इज एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पावर डेसिपेटेड इन रेजिस्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आई स्क्वायर आर, करंट का स्क्वायर करना है और आर से मल्टीप्लाई करना है, इसका स्क्वायर करेंगे जब तो आएगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ई की पावर माइनस टू टी बाय आर सी, तो आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आर कट जाएगा, कितना आएगा वी स्क्वायर बाय आर ई की पावर माइनस टू टी बाय आर सी। दिस इज व्हाट पावर डेसिपेटेड अक्रॉस रेजिस्टर, पावर डेसिपेटेड अक्रॉस रेजिस्टर। बोलो समझ में आती है बात या नहीं आती है। वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क डन किया, बैटरी ने कितना वर्क डन किया, पोटेंशियल डिफरेंस v इंटू चार्ज, चार्ज हो रहा हमारे पास c v, तो c v स्क्वायर हो गया, कितना हो गया c v स्क्वायर वन माइनस e की पावर माइनस t बाय आर सी। की पर्टिकुलर टाइम तक बैटरी ने कितना वर्क किया, किसी पर्टिकुलर टाइम तक बैटरी ने कितना वर्क किया हमने वो भी निकाल लिया बेटा। बोलो समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, सारी बातें अच्छे समझ में आ रही होंगी पक्का। अब हम ग्राफ प्लॉट्स कर सकते हैं, ग्राफ्स प्लॉट करेंगे, ग्राफ्स प्लॉट करेंगे तो हम क्या देखते हैं, देखो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम क्या देखते हैं, इसको हटा देते हैं और हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमें आई की वैल्यू मिल चुकी है, कितना है पोटेंशियल मिल चुका है, एनर्जी मिल चुकी है, पावर मिल चुकी है, बैटरी का वर्क मिल चुका है, टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर मैंने क्या माना है अनचार्ज माना है, क्या माना है बेटा अनचार्ज। ठीक है, इसमें इसको भी हटा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं सारे, सारे सारे रिजल्ट्स आपको आने चाहिए। ठीक है, जितने भी लिखे हैं मैंने। अब आ जाओ कैपेसिटर, कैपेसिटर में चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आया था ना, कितना आया था वो सी वी वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, आया था कि नहीं आया था बोलो, ये चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया था। और सर्किट क्या था मेरा, सर्किट था मेरा ये सी था आर था और ये बैटरी थी वी वोल्टेज की, बोलो यही सर्किट था कि नहीं था, बिल्कुल था, सही है। इस पे क्यू चार्ज था किसी भी इंस्टेंट पर से माइनस क्यू चार्ज था, इसमें आई करंट जा रहा था पर आई करंट अपने आप में डी क्यू बाय डी टी था। बोलो सही बात है, कोई चिंता की बात नहीं है, सही है। और ये रेजिस्टेंस आर था, ऊपर लिख लो इसको ताकि ये मल्टीप्लाई ना लगे रही आपको। ठीक है, खैर अब चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम बनाएंगे, देखो जैसा ग्राफ चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम का आएगा, चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम बनाने से पहले मैं वो कुछ ग्राफ बताता हूँ, छोड़ो इसको चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम को, ई की पावर एक्स का ग्राफ बना के सिखाता हूँ आपको। देखो सबसे पहली बात, ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाना है, एक्स के साथ कैसा बनेगा मैं ग्राफ बनाऊंगा आपको, कुछ चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, आपको एडिटिंग सीखनी जैसे मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, e की पावर एक्स का ग्राफ ये आता है ऐसा, दिस इज द ग्राफ ऑफ e की पावर x। ठीक है, x की वैल्यू जीरो डालोगे तो वन आएगा, ठीक है ना, x की वैल्यू जीरो डालोगे तो क्या आएगा वन, और x की वैल्यू इन्फानेट डालोगे तो इन्फानेट माइनस इन्फानेट डालोगे तो क्या आएगा जीरो। ये एक नंबर होता है ना 2.71 के बराबर, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, e की पावर एक्स का ग्राफ सही है। अगर आप बोलो e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बना के दिखाओ तो आप क्या करोगे, x के साथ बना के दिखाओ e की पावर माइनस एक्स का, ध्यान से देखो, तो
जो काम एक्स पॉजिटिव में हो रहा है वो एक्स नेगेटिव में होने लगेगा, और जो एक्स नेगेटिव में हो रहा है वो एक्स पॉजिटिव में होने लगेगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बोलो, ग्राफ जो एक्स पॉजिटिव में हो रहा था वो काम एक्स नेगेटिव होने लगा, और जो एक्स नेगेटिव हो रहा था वो काम एक्स पॉजिटिव होने लगा। कभी तो एक ही पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा, बोलो सही बात है। तो एक ही पावर माइनस एक्स का ग्राफ बन गया, इनटू कांस्टेंट भी है, कोई नेचर तो इस टाइप का रहेगा कुछ ना कुछ। अब माइनस बनाना है, साथ में माइनस आना चाहिए। माइनस ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ एक्स के साथ। देखो अब जो काम पॉजिटिव में हो रहा है वो काम ऊपर नेगेटिव में होगा नीचे। बोलो ये ऐसा बनेगा। तो ये कितना नंबर है? देखो सबसे पहली बात ये वन है, तो ये वन है, ठीक है ना, तो ये माइनस वन है। अगर मेरे को ग्राफ बनाना है वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स का, ध्यान से देखो, तो मुझे ई की पावर माइनस एक्स में मेरे को वन ऐड करना है, तो माइनस वन वाली चीज जीरो पे चली जाएगी, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा बेटा। देखो सही है, पक्का सही है। और ये कहाँ मिल रहा है? इन्फिनिट पे, ठीक है ना। ये कहाँ मिलेगा? ऐसे वन पे, सही है। कुछ इस टाइप के ग्राफ्स होंगे, ये ई की पावर ऐसा ग्राफ पता होना चाहिए, ई की पावर माइनस ऐसा ग्राफ पता होना चाहिए, माइनस ई की पावर माइनस ऐसा ग्राफ पता होना चाहिए, और वन माइनस ई की पावर माइनस ऐसा ग्राफ पता होना चाहिए। अब इनको समझने के बाद मैं अपने इन ग्राफ्स को प्लॉट करूंगा, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। नेचर किस टाइप का आर आपको दिखाई दे चुका है सब कुछ, ठीक है ना। अब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, आपको समझ में भी आएंगे। सबसे पहले मैं पढ़ने जा रहा हूँ चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ प्लॉट। देखो ध्यान से, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का, वन माइनस ई की पावर माइनस, कभी बताया मैंने टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता इसलिए पीछे बना नहीं रहा मैंने, और ये वन के साथ सीवी मल्टीप्लाई है तो ये सीवी एसिम्प्टोट बनेगा इसका। बोलो सही है, पक्का। और टाइम जीरो पे चार्ज कितना था? जीरो। बोलो समझ में आया चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। करंट, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यस। करंट है V by R, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस का ग्राफ, e की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, e की पावर माइनस का ग्राफ ऐसा होता है, पीछे वाला तो बनेगा नहीं है, ऐसा बनेगा। और ये नंबर वन था तो यहाँ क्या आ जाएगा? V by R आ जाएगा, क्या आ जाएगा? V by R। देखो ध्यान से, जो ग्राफ करंट का बनेगा वैसा वैसा ही ग्राफ कुछ रेजिस्टेंस का बनेगा, बस फर्क होगा वहां V by R होगा तो यहाँ V होगा। लो बना भी देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ये भी होगा, सही है, पक्का, कोई चिंता की बात नहीं है। देखो देखो कितनी खास बात है कि शुरू में कैपेसिटर पे t इक्वल टू जीरो पे जस्ट कोई चार्ज नहीं आया, लेकिन t इक्वल टू जीरो पे जस्ट करंट है सर्किट में। अभी इसके बारे में बताऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अभी आगे देखते हैं, ये चार्ज आ गया, ऐसी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बना सकते हो आप, सेम ग्राफ आएगा। आगे और ये किसके बराबर होगा? V के बराबर होगा, बोलो सही बात, V, ठीक है ना। अब एनर्जी E की पावर माइनस टी बाय पावर, पावर अगर आपको जिस तरीके से आएगा माइनस टू टी बाय आरसी है, शक्ल तो कुछ ऐसी ऐसी ही रहेगी। पावर, पावर धीरे धीरे डेसीबेट होनी खत्म हो जाएगी और जीरो हो जाएगी, बोलो सही है। और मैक्सिमम पावर कितनी जा रही थी? वी स्क्वायर बाय टू आर ट्रांसफर हो रही थी, सिस्टम में डेसीबेट हो रही थी, कब? टाइम जीरो पे होगी, पावर रेजिस्टर में कितनी डेसीबिट होने लग जाएगी? जीरो डेसीबिट होने लग जाएगी। एनर्जी स्टोर कैपेसिटर में कुछ इस टाइप की शक्ल आएगी इसकी, कुछ इस टाइप की। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ इस टाइप की शक्ल होगी। देखो टाइम जीरो पे, टाइम जीरो पे अगर बात करूं तो वन बनेगा, वन माइनस वन जीरो, एनर्जी जीरो होगी। और टाइम इनफाइनाइट पे ये नंबर क्या बनेगा? लगभग लगभग जीरो बनेगा, तो हाफ सी वी स्क्वायर होगी, तो यानी कुछ तो इस टाइप की शक्ल होगी अभी भी। और मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी? हाफ सी वी स्क्वायर। समझ में आ रही है? एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। वर्क डन बाय बैटरी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, धीरे धीरे बैटरी का वर्क भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब टाइम जीरो पे बैटरी कितना काम कर रही है? टाइम जीरो पे बैटरी ने कितना काम किया उस क्षण पे? सी वी स्क्वायर काम किया। उसके बाद
टाइम इनफाइनाइट पे बैटरी ने कितना काम किया, सीवी स्केयर काम किया, तो बैटरी का वर्क बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता बढ़ता कितना हो रहा है, सीवी स्केयर हो जाता है, लास्ट कितना हो जाता है, सीवी स्केयर वर्क हो जाता है बैटरी का। बोलो समझ में आई, सारे ग्राफ समझ में आए, बोलो। ये ग्राफ्स हो गए, ठीक है, और इक्वेशन हो गई। ये जो इक्वेशन होती है इसको बोलते हैं ट्रांजियंट, जो हम बात करते हैं एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम। मैंने क्या बात करी है यहाँ पे, एट एनी टाइम टी बात करी। अब टी इक्वल टू जीरो पे चीजें दिखाई दे रही है, और टी टेंडिंग टू इनफिनिट भी दिखाई दे रही है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ कि टी इक्वल टू जीरो और टी टेंडिंग टू इनफिनिट पे क्या समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इसको हटा के थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कहीं से कहीं तक। देखो आपको कुछ चीजें बड़ी अच्छी समझ में आएगी, ठीक है। उससे पहले टी इक्वल टू जीरो पे समझते हैं। लिखो, एट टी इक्वल टू जीरो कैपेसिटर विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। देखो उससे क्या फायदा है, मैं आपको समझाता हूँ सारी बात, इक्वेशंस रहने दो, ठीक है ना। मैं आपको देखो, ट्रांजिएंट तो मैंने बता दिया, इक्वेशंस तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बता दी, मैंने वो ग्राफ भी प्लॉट करवा दी, मैं आपको और सिंपल करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब हेडिंग डाल लो, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो कैपेसिटर जो बिहेव करता है वो तो कैसा बिहेव करता है, एज शॉर्ट सर्किट। कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम करंट उसमें से पास हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम करंट क्या हो गया, पास हो गया। अब सुनो मेरी, शॉर्ट सर्किट का मतलब एक लाइन लग गई इस कैपेसिटर की जगह, क्या लग गई, लाइन। और रजिस्टर तो है ही है साथ में, और नीचे बैटरी लगी हुई है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो कैपेसिटर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कैपेसिटर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखो इसको ऐसा करने से मेरी सारी चीजें फुलफिल होंगी कैसे, देखो ये कैपेसिटर के दो पॉइंट है, तो अगर तार से कनेक्ट कर दूंगा सिंपल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा कैपेसिटर में, जीरो। देखो टाइम जीरो पे कैपेसिटर क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो, और टाइम जीरो पे रेजिस्टर क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सारा का सारा भी टाइम जीरो पे रेजिस्टर क्रॉस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस सारा का सारा भी टाइम जीरो पे। करंट कितना है, वी बाय आर, देखो करंट कितना है, वी बाय आर। टाइम जीरो पे चार्ज कितना है, जीरो, तो चार्ज जीरो है, क्योंकि कोई पोटेंशियल नहीं है, तो क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तो वी जीरो है, तो क्यू जीरो है। बोलो समझ में आ रही है सारी बातें, तो कैपेसिटर विल बिहेव एज व्हाट, शॉर्ट सर्किट, आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है पक्का। अब आती है बात, एट टाइम टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका मतलब होता है स्टेडी स्टेट। क्या मतलब होता है इसका, स्टेडी स्टेट। अब हो क्या रहा है, पॉइंट समझो कि कैपेसिटर पे शुरू में अनचार्ज था कैपेसिटर, ठीक है ना, बैटरी लगा दी, रजिस्टर भी लगा दिया, तो कैपेसिटर जैसे ही बैटरी ने करंट दिया, तो जैसे ही शुरू हुआ मामला, उस समय कैपेसिटर ने मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की कोशिश करी कि आ जा, ठीक है ना, तो मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की कोशिश करी कैपेसिटर ने, ठीक है ना, और करंट फ्लो हुआ उस कारण से, उस कारण से क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, तो धीरे धीरे चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया, धीरे धीरे चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया, होता गया, ठीक है ना। कुछ टाइम आया ऐसा कि किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद अब चार्ज स्टोर होना बंद हो गया, वो कब होगा आपको सबको पता है, जब कैपेसिटर क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सारा बैटरी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो देखो बात को, एट टाइम टी टेंडिंग टू इनफिनिट, जब टाइम को इनफिनिट डालते हो, तो ई की पावर माइनस इनफिनिट जीरो पर टेंड करता है, तो चार्ज आ जाता है सीवी, तो मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना आ गया, सीवी आ गया। और कैपेसिटेंस अगर उसकी सी है, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ चुका है कैपेसिटर क्रॉस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वी आ चुका है, तो रेजिस्टर क्रॉस कितना बचेगा, जीरो बचेगा। उस समय रेजिस्टर क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना बचेगा, जीरो बचेगा, और कैपेसिटर क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सारा का सारा वी हो जाएगा। और यहाँ पे कैपेसिटर क्रॉस जीरो होगा और रेजिस्टेंस क्रॉस सारा का सारा वी हो जाएगा। बोलो समझ में आ रही है, ये टाइम जीरो की कहानी है, ये टाइम इन्फिनिटी की कहानी है, बोलो सही है। और कैपेसिटर अगर, अब सुनो करंट 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 सुनो करंट के बारे में, करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा टाइम इन्फिनिट पे, देखो डाल के। और यहाँ पे टाइम जीरो पे करंट कितना था, वी बाय आर था, बोलो समझ में आ रही है बात, है ना। तो पहले करंट फ्लो हो रहा है और मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, बाद में करंट हो ही नहीं रहा फ्लो, तो यानी कैपेसिटर क्या बन गया, ओपन सर्किट। कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब करंट खत्म हो गया, करंट ही नहीं चल रहा, ओपन सर्किट का मतलब करंट क्या हो गया, खत्म हो गया। ऐसे कैपेसिटर हटा दो, सर्किट टूट गया, सर्किट टूट गया। सर्किट टूट गया तो बैटरी कोई करंट फ्लो नहीं करा पाएगी, ठीक है ना। ये आर,
करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा, तो इन दोनों क्रॉस कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर आ गया, वी के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, बोलो सही बात है। तो स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर बिहेव करता है किसकी तरह, ओपन सर्किट की तरह। तो कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन सर्किट, कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन सर्किट, सही है। और टाइम जीरो पे कैपेसिटर विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट, दोनों बातें बहुत अच्छे से क्लियर है। टाइम जीरो अलग, टाइम इनफिनिट अलग, और एट एनी टाइम जिसको ट्रांजिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्रांजिएंट, उनकी सारी इक्वेशंस भी मुझे पता, सबके ग्राफ्स भी पता है, ठीक है। ये था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, हेडिंग डालो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़े। कैपेसिटर मैंने पहले से ही चार्ज कर रखा, ठीक है ना, कैपेसिटर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, सी कैपेसिटर। स्विच ओपन है, अभी स्विच बंद नहीं किया, इसको एक रेजिस्टर या बल्ब के क्रॉस लगा दिया, ठीक है ना, और जैसे स्विच बंद करता हूँ क्या काम होगा, ठीक है। अब देखिए स्विच बंद कर दिया तो कैपेसिटर से चार्ज फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है ना, और चार्ज ने क्या बनाया, चार्ज के फ्लो ने क्या बनाया, करंट बनाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सिंपल सी एक बात समझिए मेरी, कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मान लेते हैं कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, स्मॉल क्यू चार्ज, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कैपेसिटर पे कितना चार्ज होता बेटा, स्मॉल क्यू चार्ज, करंट बना, ठीक है ना। जो चार्ज निकला उसके फ्लो ने करंट बनाया, तो कितना था क्यू, अब कितना बचा स्मॉल क्यू, तो क्यू माइनस क्यू का रेट क्या बना रहा है, करंट बना रहा है। ये समझ में आई कहानी के नहीं आई, कहानी समझ में आई, ये क्यू तो फिक्स है, तो माइनस डी क्यू बाय डी टी है करंट, ये समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल सही बात है। अब गोल गोल घूम जाते हैं तो आ गया आई आर, फिर आ गया माइनस क्यू बाय सी बराबर जीरो, फिर चौक लगा दिया, बोलो कोई दिक्कत, आई अपने आप में माइनस डी क्यू बाय डी टी है, तो डी क्यू बाय डी टी आर इक्वल टू माइनस क्यू बाय सी आर, बोलो समझ में आती है कहानी या नहीं आती है, बिल्कुल आती है। डी क्यू बाय क्यू माइनस डी टी बाय आर सी आ गया, बोलो समझ में आती है कि नहीं आती है, बिल्कुल आती है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन आ गया। टाइम जीरो पे चार्ज था कैपिटल क्यू, टाइम टी पे किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चार्ज होता है स्मॉल क्यू, डी क्यू अपॉन क्यू का इंटीग्रेशन हो गया ln क्यू, और लिमिट लग गई ln क्यू माइनस ln कैपिटल क्यू log a माइनस log b ln क्यू बाय क्यू ln इक्वल टू माइनस टी बाय आर, ln होता है log e बेस पे, e की पावर में चढ़ गया तो q आ गया q e की पावर माइनस टी बाय आर, क्योंकि चार्ज जो फंक्शन ऑफ टाइम चार्ज धीरे धीरे घटता जा रहा है, साथ ही साथ ग्राफ बना दूंगा मैं, ग्राफ पहले चला जाता हूँ। अब कैपेसिटर में चार्ज q से घटता 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 किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा, और बस कितना था q, चलो समझ में आई। अब I बनेगा माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी, सबसे पहला काम माइनस लगाओ, टी लिखो, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो माइनस वन बाई आर सी आएगा, सही है, और साथ ही साथ आएगा e की पावर माइनस टी बाई आर सी, माइनस से माइनस खत्म होगा तो करंट बनेगा क्यू बाई आर सी e की पावर माइनस टी बाई आर सी, मतलब करंट भी धीरे धीरे खत्म होगा, करंट भी धीरे धीरे खत्म होगा बेटा जी, और कितना होगा क्यू बाय आर सी करंट से, करंट की वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि सारी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है ना, बोलो जब कैपेसिटर अनचार्ज हो जाएगा फाइनली तो कोई करंट नहीं बचेगा, कोई करंट नहीं बचेगा, सही है। पावर डेसिपेटेड अक्रॉस रेजिस्टर क्या होगा, आई स्केयर आर, इसका स्केयर कर देंगे क्यू स्केयर बाय आर स्केयर सी स्केयर करेंगे तो आर सी स्केयर आएगा, क्योंकि कार कट गया ना आई स्केयर आर से, ये बन क्या आएगी पावर माइनस टू टू बार,
एनर्जी स्टोर लिखेंगे कैपेसिटर में एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो लिखेंगे हाफ क्यू स्क्वायर बाय टू सी, तो क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर टी की पावर माइनस टू टी बाय आर सी, इसका स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बाय टू सी। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? बिल्कुल आई होगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पावर आई है, ये जो पावर आई है, इसको अगर मैं टी डब्ल्यू बाय डी टी कर दूं और क्यू स्क्वायर बाय आर सी स्क्वायर कर दूं, ई की पावर माइनस टू टी बाय आर सी कर दूं और इस डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर दूं और ऐसे कर दूं, टोटल एनर्जी आ जाएगी जीरो से इनफाइनाइट टाइम तक, कितनी आ जाएगी? क्यू स्क्वायर बाय टू सी आ जाएगी। तो क्यू स्क्वायर बाय टू सी एनर्जी डेसिपेट हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी डेसिपेट हो जाएगी ना, क्यू स्क्वायर बाय टू सी इनिशियली स्टोर थी। इनिशियल एनर्जी कितनी थी सोचो, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। फाइनल एनर्जी कितनी बनी, टाइम को इनफाइनाइट डालो, फाइनल एनर्जी स्टोर कैपेसिटर में कितनी, जीरो। तो कहां गई सारी एनर्जी? रेजिस्टर में डेसिपेट हो गई ना। तो ये करोगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करके करके देख लेना, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू दिस होमवर्क, इसको इंटीग्रेट करोगे जीरो से इनफाइनाइट टाइम तक तो क्यू स्क्वायर बाय टू सी आएगा। क्या आएगा? क्यू स्क्वायर बाय टू सी आएगा। दिस इज ऑल ऑन डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, बस बहुत है, मैं बाकी पढ़ाऊंगा वो कल, और पढ़ाऊंगा मैं टाइम कॉन्स्टेंट। ठीक है, मैं थोड़ी बहुत चीजें रह गई अभी।